उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुख्यात हिस्ट्री शीटर चंद्रशेखर यादव पर सोमवार को प्रशासन का डंडा जोर शोर से चला। डीएम के निर्देश पर एसडीएम और सीओ ने माफिया को 1,04,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली। चंद्रशेखर जिले का दबंग हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर विभिन्न थानों में हत्या समेत 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जरायम के जरिए उसने अपने और अपने भाई के नाम अकूत संपत्ति बनाई थी। सदर कोतवाली क्षेत्र के बुरबा मेहड़ा गाँव का रहने वाला चंद्रशेखर यादव पुत्र श्याम बिहारी गिरोह बनाकर तस्करी और अन्य अपराधों को अंजाम दिया करता था। पिछले एक दशक से उसने अपराध की कमाई से दौलत का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, पशु और शराब तस्करी दर्जन भर केस दर्ज हैं, लेकिन उसके दहशत से उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बताया जाता है कि उसे एक राजनीतिक दल का संरक्षण भी प्राप्त था। वर्तमान में सरकार ने जब खतरनाक अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया तो चंद्रशेखर की भी कुंडली खंगाली जाने लगी। एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने गिरोह बंद अधिनियम का धारा 14 के अंतर्गत इसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए डीएम से पत्राचार किया था। डीएम के आदेश के बाद सोमवार को एसडीएम सदर सौरभ सिंह के नेतृत्व में सदर कोतवाली पुलिस ने चंद्रशेखर यादव के पूर्वा स्थित श्याम पैलेस मैरिज हॉल पर पहुंची और डिग्गी पिटवाकर लोगों को कुर्क की जानकारी दी। फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मैरिज हॉल को कुर्क कर दिया गया, जिसकी कुल संपत्ति 1,04,00,000 की आंकी गई। इसका कॉस्टेडियम तहसीलदार को बनाया गया।